हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल रेसिपी डिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड कंप्लीट किया था, आज थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? कभी भी टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना हो, याद रखिएगा, टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना हो तो हमेशा हम लेट करेंगे टेंस प्लेस और वंस प्लेस को। ठीक है, तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, पहले हम क्या राइट करेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैंने कहा आपको टेंस प्लेस और वंस प्लेस, तो लिखेंगे क्या, लेट दी डिजिट्स एट टेंस प्लेस इक्वल यस। माना इकाई का अंक बराबर यस, ठीक है। अब वर्स प्लेस मानिए एंड दी डिजिट्स ऑफ सॉरी डिजिट्स एट वंस प्लेस इक्वल। देखिए कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि अगर हम दो डिजिट को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है ना। टू डिजिट्स का अगर सम करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो हमें अगर एक नंबर पता है, मान लीजिए हमें एक नंबर पता है कि यस है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस यस हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि टू डिजिट्स का जब हम सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दो डिजिट को, तो 9 आ रहा है। अब पहली डिजिट 5 है तो 9 माइनस 5 कर लो तो 4 आ जाएगा, है ना। जैसे कि हमने कह दिया आपको कि दो टू डिजिट्स को अगर हम ऐड करते हैं, दो डिजिट को जोड़ते हैं तो 10 आता है, तो और जो एक उसमें से एक डिजिट है वो है तुम्हारी 5, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वैसे ही आपको करना है यहाँ पर कि अब देखिए टू डिजिट्स को ऐड करने पे 9 आ रहा है और एक डिजिट हमें पता है यस है, तो 9 माइनस यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 माइनस यस हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब हमें देखिए आप लिखेंगे क्या, और दहाई का अंक बराबर 9 माइनस यस, इतना हो गया। अब देखिए ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में यह होता है अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या बराबर, देखिए जो अभीष्ट संख्या होती है हमारी वो कितनी होती है, 10x+y, ठीक है, 10x+y होती है, ठीक है। तो 10 से 10 यस मतलब ये वाला नंबर हो गया, तो यस ही रहेगा, प्लस वाई मीन्स क्या हो गया, सेकेंड वाला, तो 9 माइनस यक्स हो जाएगा, है ना, ये तो होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 यक्स प्लस 9 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है, 9 माइनस यक्स हो जाएगा एक ब्रैकेट में, ये हो गया। तो 10 यक्स में से 1 यक्स माइनस करिए, 9 यक्स माइनस 9 हो गया, ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब डिजिट्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, हेलो, जब हम डिजिट्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं ना, तो क्या लिखेंगे कि इंटरचेंज कर रहा ना, लिखेंगे क्या कि ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स कॉमा न्यू नंबर, ठीक है। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर क्या होगा, यानी न्यू नंबर अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त
नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए अंकों का स्थान बदल दिया जाए और अंक हमने क्या माना है, डिजिट क्या माना है, हमें प्लेस किसका चेंज कर रहे हैं, डिजिट का चेंज कर रहे हैं ना, तो 10 इयर्स और प्लस 9 माइनस यस मींस जहां पर यस है वहां पे 9 माइनस एक्स कर रहे हैं और जहां पर 9 माइनस एक्स है वहां पे यस कर रहे हैं, मतलब 10 9 माइनस एक्स से हाँ हो जाएगा और प्लस एक्स हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज किया, डिजिट हमने क्या रेड की है, एक यस है और एक 9 माइनस एक्स है, तो हम यस की प्लेस पे 9 माइनस एक्स राइट कर रहे हैं और 9 माइनस एक्स की प्लेस पे यस राइट कर रहे हैं, तो डिजिट ही तो चेंज कर रहे हैं, तो डिजिट चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 9 माइनस एक्स और प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 9 जा 90 माइनस 10 1 जा 10 यक्स प्लस यक्स मींस ये हो जाएगा 90 माइनस 10 में से 1 यक्स माइनस करिए 10 यक्स में से, क्योंकि ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा ज्यादा के लिखी जाती है इसलिए माइनस हो गया, 10 में से 1 माइनस करिए तो 9 यक्स हो गया, ये हो गया आपका, लेट कर लिया। अब राइट करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कभी भी अगर हमेशा याद रखिएगा कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे आपको कभी भी, तो याद रखिएगा जो भी हमने माना हुआ है ओरिजिनल नंबर जो भी रिलेट किया होगा और जो हमने न्यू नंबर रिलेट किया होगा, जो अभीष्ट संख्या रिलेट की होगी, जो नई संख्या मानी होगी उसको उसके इक्वल कर दो, उसके बाद सोचना, तो 9x माइनस 9 बराबर 90 माइनस 9x। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। कह रहा है कि जब हमने इसकी डिजिट को चेंज कर दिया तो जो नया नंबर है ना वो पुराने वाले नंबर से क्या है, ये 27 ज्यादा, ठीक है। या कभी भी याद रखिए कि हमेशा जो न्यू नंबर होगा, जो भी न्यू नंबर होगा उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी ऐड करना है आप इसी में करेंगे, पुराने वाले में, ओरिजिनल नंबर में, या जो भी सब्सट्रैक्ट करना है पुराने वाले में करेंगे, तो अब इस नंबर से हमें मतलब नहीं, ठीक है, इस नंबर को भूल जाओ। तो कह रहा है इंटरचेंजिंग द डिजिट, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो पुराना यानी ओरिजिनल नंबर इससे छोटा है तो इसी में प्लस 27 या हमेशा याद रखिएगा उधर कुछ करना ही नहीं है हमें, अगर ज्यादा है तो इधर ही करना है, कम है तो इधर ही करना है, जो भी है इधर ही करना है, ठीक है, उधर कुछ भी नहीं करना है। अब आगे चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 9 एक्स, वेरिएबल को एक साइड करना है हमें, माइनस 9 एक्स है तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9x है, अब 27 प्लस में ही माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन कौन सी, क्योंकि 27 ज्यादा होता है इसलिए प्लस की साइन होगी, प्लस हो जाएगा, 27 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 18 आएगा, तो ये हो गया कितना 90 माइनस 9x, ये हो जाएगा 9x, ये माइनस 9x इधर लाइए प्लस 9x इक्वल इक्वल 90 है 90, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 99 18x इक्वल, अब यहां 90 है 90 में से 18 को माइनस करिए, 10 में से गए 2 और यहां बना 8, 8 में से बन गए 7, यानी कितना आ गया 72, फिर ये आ गया, तो अब यहाँ पे 18x इक्वल 72 है, मींस x इक्वल हो गया 72 और 18 इधर मल्टीप्लाई में तो पान किया जाएगा 18 हो जाएगा, चलते हैं काटते हैं इसको, तो 72 अपॉन 18, चलिए काटे 9 2 जा 18 और 9 वीडियो में पढ़िए 72 से ज्यादा नहीं बचे, तो 9 1 जा 9 9 2 18 9 3 27 तो कितने टाइम पढ़ेंगे हम लोग, 8 टाइम्स ना 2
टू वन जा टू, टू फोर जा एट, यानी फोर आ गया। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल फोर आ गया, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है, कह रहा है कि व्हाट इज द टू डिजिट्स नंबर, टू डिजिट मतलब वही ओरिजिनल नंबर, तो लिखेंगे क्या, अभी हम राइट करेंगे ओरिजिनल, हियर ओरिजिनल नंबर या अभीष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9, यानी 9 इंटू यक्स की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 9, तो 9 फोर जा 36 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 227, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।